you guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and safe at your place. Guys, आज मुझे इतना डर लग रहा है क्योंकि आज का कंटेंट कुछ है ही ऐसा डरावना, मतलब कुछ ऐसी चीज मैं अपनी लाइफ में ट्राई करने वाली हूँ जो आज से पहले मैंने कभी ट्राई नहीं की और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इसको कभी ट्राई कर भी पाऊंगी या मैं करूंगी. मुझे लग रहा था ट्राई करने की जरूरत ही क्या है, क्यों पंगे लेने जिंदगी में, आराम से जिंदगी चल रही इसको चलाओ ना. बट अब मैं अपना दिमाग बना चुकी हूँ. आज का वीडियो होने वाला है अबाउट दिस. यस, सो मैंने ये ऑर्डर किया अमेज़न से और ये मेरे पास आ गया. अब ये आ तो गया पर मुझे डर भी उतना ही लग रहा है. सो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ और अपने ऑनेस्ट रिव्यूज देने वाली हूँ इसके ऊपर कि मुझे ये अच्छा लगा बुरा लगा. एंड मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे एंड आई होप कि सभी लड़कियों के दिमाग में जो ऐसी मेरी जैसी अनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब इस मामले में उन सभी के दिमाग में होंगे. जैसे सबसे पहली चीज कि ये पेनफुल होगा, मतलब ये कितना पेनफुल ऑब्वियसली होगा, अभी आई डोंट नो बट इसको करके देखते हैं. दूसरा कि अगर मैंने इसे लगाया और ये खो गया तो मैं इसे कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी वापस. तो ये तो मुझे सेकंड वाला जो है सबसे ज्यादा डरावना लगा. बट कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे क्योंकि इससे पहले हम 10 वीडियोस देख चुके हैं. यस, और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि किसी एक बंदे के साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं कि खो गया, नहीं खोया पर. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ट्राई कर रहे हैं बेझिझक होके, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा. तीसरी चीज कि अगर इसकी ये जो नीचे लगी होती है टेल, अगर वो टूट गई या वो मेरे हाथ में नहीं आई क्योंकि वो स्लिप होगा तो मैं उसको नीचे कैसे लाऊंगी, ये भी. तो अभी मेरे दिमाग में तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं. प्लस मैंने इसकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी पढ़ी जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी. ये दिखने में तो बहुत छोटू सा लगता है. सबसे अच्छी चीज लगी इस मेंस्ट्रुअल कप की वो थी कि ये एक बार आप खरीद लो और 9-10 सालों तक आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, पैड्स भी नहीं, मतलब आप पैड्स नहीं खरीदो. और ये पैड्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रीजनेबल है. मतलब पैड अगर एक कोई भी यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जो यूज करती हूँ, मैं तो विस्पर यूज करती हूँ, वो जो ऑरेंज वाला होता है स्क्वायर शेप का, वो आई गेस 42 रुपीज का आता है और मेरे एक हफ्ते में 2 पैड्स पूरे पूरे लग जाते हैं. तो उसके हिसाब से भी अगर मैं देखूँ मेरे पूरे साल के कितने सारे पैसे लगते होंगे, और ये सिर्फ मुझे 350 रुपए में मिला और उस पर भी मैंने कूपन लगाया था तो मुझे 300 रुपीज का मिला. पैड्स को आप 6 घंटे में निकाल देते हो, आप इसको 6 से 12 घंटे तक लगा सकते हो. मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फ्लो कि आपको बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप अपनी उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा है थोड़ा खिचखिचा सा तो आप जल्दी निकाल लो. तो अभी मेरा इसका एक्सपीरियंस, मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ बट बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ बिकॉज थोड़ा सा तो डर लगता है ना यार, इमोशंस है, मतलब इमोशंस ही दर्द है इसमें. तो हम ट्राई तो जरूर करेंगे. तो अभी हम इसको खोल के देखते हैं कैसा होगा. अभी तो मैंने पैड लगाया हुआ है बट मैं पैड भी हटाऊंगी और सिर्फ इसको यूज करूंगी ताकि मुझे पता चले कुछ लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही. तो ये जो मैंने खरीदा, पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने कहाँ से लिया और साइज क्या लिया. ये सारी चीजें भी होती हैं, मतलब ये मुझे पहले नहीं पता था, मुझे लगता था सबका साइज सेम होता है बट नहीं, सबका साइज सेम नहीं होता. अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर मैंने स्मॉल लिया है तो आप स्मॉल मत लेना, मतलब डिपेंड्स कि आप क्या हो. मतलब अगर आप मैरिड हो तो शायद आपके लिए स्मॉल थोड़ा छोटा रहे, अगर आप अनमैरिड हो तो उसके लिए स्मॉल इज परफेक्ट फॉर यू. मतलब आप पे डिपेंड करता है, वो आप खुद देख लेना. मैं अपना बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिया है और इसकी कंपनी है सैन नैप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि मुझे पड़ा 300 रुपीज का, मतलब कूपन लगा के, और ये वैसे 399 रुपीज का है. ओके, सो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कैसा है. ये कुछ ऐसा है, मैं इसको ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ. पहली चीज ये, अपने हाथों को धुल के इसको टच करना बिकॉज आपके हाथ कैसे कैसे सरफेस पे अच्छे गंदे डर्ट वाले पता नहीं कहाँ कहाँ लगते हैं. और अगर आप इसको डायरेक्ट बिना हाथ धुले टच करोगे तो जो भी आपके हाथ में जर्म्स हैं वो आपके अंदर जाएंगे इस चीज के थ्रू. तो मेरे हाथ धुले हुए हैं. ओए, इसके साथ एक कुछ ऐसे भी आया है जिसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है बट मैं इसको ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ. तो आपको मैं क्या ये दिखाऊं, ऐसे मैं आपको बता ही रही हूँ, इसमें वही सब लिखा है जो मैंने बताया है और आई गेस आपको दिखेगा मीनिंग.
सो हम बात करते हैं इसकी और इसको ओपन करते हैं। सो ये एक छोटी सी ब्लैक कलर की पोटली में आया, मतलब मुझे चाहिए तो दूसरे वाला था जो बॉटल वाला होता है ना, बट मुझे ये लगा कि पहले तू एक बार ही ट्राई कर ले, अगर अच्छा लगेगा तो मंगाना। तो ये मेरी ड्रेस के साथ भी मैच हो रहा है, बट अंदर वाला नहीं हो रहा, अंदर पिंक कलर का, और मुझे क्यूट भी लग रहा था ये पिंक कलर का। और ये मेरा जो साइज है ये स्मॉल है, बट ये मुझे स्मॉल नहीं लग रहा, ये मुझे ऐसा लग रहा है इतना बड़ा है, ये जाएगा तो जाएगा कैसे। सो जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसको ऐसे प्रेस करना पड़ता है, फिर आपको ऐसे फोल्ड करना पड़ता है। आउच भाई, ये मोटा है थोड़ा, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वजाइना है, इसमें आपको इंसर्ट करना होगा एंड उसके बाद छोड़ दो, तो ये अपने आप अपनी पोजीशन ले लेगा लाइक दिस, ऐसे कुछ पॉपअप होएगा और अपने आप सेट हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता, मुझे तो पता, अभी तो मैं लगा के ऐसे दिखा रही हूँ जैसे प्रो हूँ इस काम में, पर ये देखते हैं, लगा के देखते हैं। अब हम इसको क्लीन करते हैं, मतलब ऑब्वियसली यार ये कहाँ से बन के आया है मुझे नहीं पता, और मैं इसको यूज़ करूँगी तो मुझे नहीं पता किस किस ने इसको टच किया होगा। अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि इसको मैं गर्म पानी के अंदर 10 मिनट के लिए डाल के रख दूँगी। सो मैंने इसको मतलब 5 मिनट तो हो चुकी है डाले हुए गर्म पानी में, इतना गर्म नहीं है, मतलब थोड़ा सा था पहले, अभी तो थोड़ा ठंडा हो गया है, और इसको डाला हुआ है। और ये एक ऐसी कटोरी थी जो हम लोग यूज़ नहीं करते, मतलब क्योंकि थोड़ी जली हुई है, तो मेरे पापा को बोला ये मुझे ही दे दो इस पर्टिकुलर काम के लिए, तो ये मेरे को याद रहेगी निशान से कि जली हुई कटोरी है। हाँ सो गाइस, ये धुल चुका है पूरे अच्छे से, और मैंने इसको एक साफ कपड़े की मदद से पूछ भी लिया है। अब बारी आती है सबसे डिफिकल्ट टास्क की, जो कि है लगाना। सो मैं इसको लगा के आती हूँ, ट्राई करके आती हूँ, और आपको बताती हूँ मुझे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा। सो लेट्स डू इट। मुझे सच्ची अब तो डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मुझे रोंगटे भी आ रहे हैं। शिट, मम्मा बोलेगी तेरे को क्या जरूरत है करने की, पर मैंने मन बना लिया है यार। मम्मा एक लंबी सांस लो आराम से बैठ के। ओके, आई एम गोइंग दिस टाइम, बाय। इट्स फाइनली, मैं फंबल कर रही हूँ डर के, बिकॉज मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, बट इट्स फाइनली डन नाउ, हो गया है, मैंने लगा लिया है। एंड इट वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज मैं इसको पहली बार लगा रही थी, मेरे लिए बहुत नया नया सा एक्सपीरियंस था, और जेन्युइनली मुझे डर लग रहा था स्टार्टिंग में, मतलब जब मैंने उसको लगाना स्टार्ट किया तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे फोल्ड करना है, पहले ऐसे फोल्ड करना है, फिर ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसको पकड़ के ऊपर इंसर्ट करना है। तो जैसे मैंने इंसर्ट किया मुझे लगा ठीक है, कंफर्टेबल है, बट मैं 5 मिनट वॉशरूम में बैठी और उसके बाद थोड़ी सी एक मुझे अंदर मेरे बॉडी में फील हुआ पट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खुल चुका है अंदर, पर वो थोड़ी देर बाद खुला था, तो अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसके अंदर ब्लड जा भी रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, या मैं उसे निकालूंगी कैसे। आई गेस मुझे से 10 से 15 मिनट बाद जो भी ब्लड इकट्ठा होगा, मुझे ब्लड नहीं, मुझे आपको एक्सपीरियंस दिखाना बताना चाहिए इसको निकालने का भी एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। सो मैं उसका भी बताऊंगी, प्लस मुझे ये अभी तो इतना नहीं लग रहा है, मतलब जब स्टार्टिंग में लगाया था दर्द हुआ था, ऑब्वियसली पेनफुल था, बट नाउ इट्स ओके, अभी मैं बैठ भी रही हूँ और हिल भी पा रही हूँ अच्छे से, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। सो अभी के लिए इट्स ग्रेट, ये भी ठीक है। फाइनली गाइज, मैंने इसको बहुत मेहनत के बाद निकाल लिया है, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको दोबारा पानी के अंदर डाला, गर्म पानी के अंदर, और इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, और या इट्स क्लीन नाउ। और ये मतलब स्टार्टिंग में डरावना था, बट एक बारी मैंने पकड़ा, क्योंकि ये टेल पहली बात तो हाथ में नहीं आ रही थी, थोड़ी सी छोटी है, और ये थोड़ा ऊपर गया हुआ था, तो मुझे इतना तो हाथ डालना पड़ा, मतलब इतना, हाँ, तो ये ऐसे स्लिप कर रहा था और बस वहाँ मेरा काम खत्म। मैंने कहा गलती तो नहीं कर दी वीडियो के चक्कर में, बट नहीं, मैंने गलती नहीं की, और अभी मैं इसको दोबारा यूज़ करने वाली हूँ, मतलब इस वीडियो के बाद, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल भी लग रहा था और मुझे इसको लगा के बिल्कुल भी अनईजी नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे गंदा लग रहा है, और ये जेन्युइनली कोई लीकेज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और यार ये अच्छा है, मतलब मैं इतने टाइम से काम कर रही थी,
हाँ ये थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना लाइफ सेविंग वाले और लाइफ चेंजिंग वाले जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लड़कियों के लिए, आई थिंक ये मेरे लिए हो सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।